नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स जो अगले वीक में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अपने जो मेरे अपने फेवरेट स्टॉक्स हैं, मैं उनके बारे में आज आपको उनकी टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा और उसमें ये बताऊंगा उसमें कौन से लेवल इम्पोर्टेंट है और किन स्टॉक में पोजिशन बनाई जा सकती है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जो सबसे में पहले मेरा फेवरेट स्टॉक है वो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट की ये देखिए, एशियन पेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर दिया था शायद 1750 रुपये के ऊपर। तो 1750 रुपये के ऊपर जैसे ही ये निकला तो ये देखिए इसने जो नया हाई लगाया है 1750 रुपये के बाद, इसने 1807 रुपये का लगाया है। तो इसमें मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करा दी थी। तो अब अभी हमारा जो इसमें टारगेट है वो टारगेट जो है हमारा वो 1825 रुपये का है। तो अगले हफ्ते के व्यू में हम आपको ये देखेंगे कि हमको इसमें कहाँ ट्रेड लेना है। तो अब ये जब 1825 रुपये के ऊपर जब एशियन पेंट निकलेगा और वहां पर कुछ सस्टेन करेगा, फिर हम एशियन पेंट में हम पोजीशन बना सकते हैं। मैं इसमें आपको प्योरली पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ, इसमें मैं कोई इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा ये देखिए हमारा है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस ये देखिए अपने रेजिस्टेंस लेवल पर जो है सस्टेन कर रहा है, 4 दिन हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 4 दिनों से ये जो है कंटिन्यू अपने जो है रेजिस्टेंस लेवल पर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था जैसे मैंने आपको बताया था, तो फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया था 3880 रुपये पर, और 3880 रुपये से इसने फिर जो है 4176 रुपये का 75 रुपये का हाई लगाया। तो अभी जो हमारा जो RSI है तो वो भी जो है 57 के रेंज में है। तो अभी इसमें जो है तेजी बन सकती है, तेजी कब बनेगी इसमें 4160 रुपये के ऊपर या 4170 रुपये के ऊपर। अगले हफ्ते जब ये स्टॉक 4170 रुपये का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें जो है हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 4250 रुपये का, और अगला टारगेट फिर रहेगा हमारा 4300 रुपीज का। और इसमें हमने नीचे की तरफ कब देखना है, ये हमारा जब ये 4100 रुपये के नीचे सस्टेन करना चालू कर दे, 4100 रुपये के नीचे जब ये सस्टेन करना चालू कर देगा तो इसमें हमारा टारगेट पहला रहेगा 4038 रुपये का। और मेरे हिसाब से अगर ये इसने नीचे डाउन मूव दिखाया तो ये इस सपोर्ट पर आ सकता है, नियर अबाउट 3900 रुपये का लेवल आपको दिखा सकता है। और अगर इसने 4170 रुपये का लेवल क्रॉस किया तो आपको 4200 रुपये का लेवल ये अगले हफ्ते में दिखा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजाज फिंसर्व की। तो बजाज फिंसर्व देखिए इसने जो है काफी एक अच्छी मूवमेंट दे दी है पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में भी इसने काफी अच्छी मूवमेंट दी है। तो ये देखिए अभी मैंने ये जो है ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है जो इसके लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। तो यहां पर ये देखिए इसने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी 2 दिन पहले, और उसके बाद इसने एक ये रेड कैंडल बनाई, नीचे की तरफ मूवमेंट दी। अब इसमें हमारा बाइंग की तरफ हमारा इसमें कोई व्यू नहीं है अभी, तो अगर ये ऊपर की तरफ निकलता भी है तो हम इसको अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई के नियर अबाउट चल रहा है और ये स्टॉक कभी भी ऊपर के लेवल से आपको डाउन मूव दिखा सकता है। तो इसमें हमारा जो है वो रहेगा सेल साइड का व्यू रहेगा, और सेल साइड का व्यू हमारा कब एक्टिव होगा, वो हमारा होगा 9250 रुपये के नीचे। 9250 रुपये के नीचे जब ये निकलता है तो इसमें जो है पहला हमारा टारगेट 100 रुपये का रहेगा, 9150 रुपये, और ये इस लेवल पर जब ये हमको फिर दोबारा मिलेगा, इस लेवल पर जब हमको मिलेगा फिर हम यहां पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज इसमें अभी बाइंग की पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। नेक्स्ट हमारा जो स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी सेम सिचुएशन बन रही है, ये भी अपने हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है। अब इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो लेवल है इसको 3200 रुपये का, इसके पास इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये 3200 रुपये के लेवल पर जो है 4 दिनों से कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है। तो इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा कि बजाज ऑटो में भी आपको जो है तेजी की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है। बजाज ऑटो को हम देखेंगे 3200 रुपये के नीचे, 3200 रुपये के नीचे हमारा पहला टारगेट इसमें जो होगा 3100 रुपये का होगा। तो नेक्स्ट वीक में हम जो है 100 रुपये का टारगेट लेके चल रहे हैं जब ये 3200 रुपये के नीचे सस्टेन करना चालू करेगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया भी देखिए काफी दिनों से, मेरे ख्याल से 15-20 ट्रेडिंग सेशन से जो है ये अपना लो लगाता है 3025 रुपये से लेकर, और जो है 3100, मतलब ये 90 से 100 रुपये के बीच में जो है ये कंटिन्यू ये जो है घूम रहा है। तो अभी जब तक ये अपनी रेंज ब्रेक करके बाहर नहीं निकलता है, आइदर साइड जिस साइड भी ये निकले, अगर ऊपर की साइड निकलता है तो हम इसमें बाइंग पोजीशन बनाएंगे,
और अगर नीचे की साइड निकलता है तो हम इसमें 2850 रुपए के लिए पोजीशन बनाएंगे। दूसरा इसमें यह है, देखिए ऊपर से जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, इसके पास एक ये भी हर्डल है और एक हर्डल ये है, इसका रेजिस्टेंस जो है 3110 रुपए के नियर अबाउट है। तो इसमें जो है आइडियल सिचुएशन ये रहेगी कि ये जो है 3150 रुपए का लेवल क्रॉस करे, 3150 रुपए का लेवल क्रॉस करने के बाद 3150 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, उसके अगले दिन हम इसमें जो है बाइंग पोजीशन बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड भी मैं आपको ये देखिए, ये मैं आपको जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो अब ये जो है इसने अपने अपर ट्रेंड लाइन को इसने टच किया और टच करने के बाद जो है ये नीचे की तरफ जो है आ गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि इसने ये जो यहाँ पर कैंडल बनाई है, ये एक बुलिश टाइप की कैंडल ये दिख रही है। तो इसमें ध्यान रखिए जो है, अभी शॉर्ट पोजीशन इसमें बिल्कुल मत बनाइए क्योंकि इसमें काफी अभी तेजी के मेरे को आसार दिख रहे हैं। तो हम इसमें जो है, अगर हमको बहुत अच्छा रहेगा अगर ये हमको 2350 के लेवल पर मिल जाए। अगर 2350 रुपए का लेवल पर हमको मिलता है तो हम जो है इसमें 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर, 2340 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर हमारा इसमें जो टारगेट रहेगा वो रहेगा नियर अबाउट 2500 रुपए का। तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस से हम इसमें नियर अबाउट 120 से 150 के टारगेट के लिए हम इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने भी देखिए, ये जो मैंने ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रखी हुई है, इसने इसको ब्रेकआउट किया था, बट ब्रेकआउट करने के बाद अगले दिन जो है ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। और ये देखिए अब जो है इसने फिर जो है इसी जो है अपने रेजिस्टेंस जो है इस पर अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब हमारा जो है इसमें बाइंग जो पोजीशन रहेगी वो रहेगी 1300 रुपये के ऊपर। जब ये 1300 रुपये के ऊपर जब कंटिन्यू सस्टेन करने लग जाए, जैसे मान लीजिए सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपको 1302, 1303, 1304, 1305 ऊपर के लेवल पर ही कंटिन्यू सस्टेन, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि 1300 के नीचे क्लोजिंग ना दे। अगर 1300 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने लग गया फिर आप इसमें बाइंग पोजिशन बनाइए। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 80 रुपये से लेकर 100 रुपये। अगले हफ्ते की बात करूं मैं, अगले हफ्ते के लिए। और इसमें जो है नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहां पर ये ट्रेंड लाइन अगर तो ये ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाता है और आपको इस कहीं ट्रेंड लाइन के नियर अबाउट मिलता है, तब आप इसमें जो है बेफिक्र होकर यहां पर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये वैसे ये देखिए इसने यहां पर जो एक हैमर कैंडल बनाया हुआ है। हैमर कैंडल जो है एक बुलिशनेस का साइन होता है कि मतलब आने वाले दिनों में ये ट्रेड जो है तेजी की तरफ बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो इसमें आइडियल सिचुएशन जो है वो बाय साइड की ही है, 1300 रुपीज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा हीरो मोटोकॉप। तो हीरो मोटोकॉप में आपको बताना चाहूंगा, इसमें हमने काफी अच्छे पैसे बनाए हैं हीरो मोटोकॉप में। अब ये देखिए ये जो है अपने सपोर्ट लेवल के पास एग्जैक्टली खड़ा है, ये 2250 रुपए के। मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ, सॉरी मैं आपको ना ये वीकली चार्ट करके दिखा देता हूँ, फिर आपको जो अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखिए ये जो मैंने रेड कलर की लाइन, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से जो है पता लगेगा। सॉरी ये रेड कलर, हाँ। तो ये देखिए ये कंटिन्यू, ये देखिए यहां पर इसने जो है रेजिस्टेंस लिया, फिर यहां रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अब जो रेजिस्टेंस इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वही इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देखिए यहां भी सपोर्ट लिया, अब यहां पर भी सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया और जो है अब ये फिर इस लेवल पर जो है सपोर्ट ले रहा है। तो हमको ध्यान रखना है कि इसमें जो है जब तक ये स्टॉक 2250 रुपए के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हमको जो है इसमें कोई सेल पोजीशन नहीं बनानी है। ध्यान रखिएगा, लेवल ध्यान से सुनिएगा, 2250 रुपए के नीचे जब तक ये क्लोजिंग नहीं देता है तब तक इसमें सेल की पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है। अदरवाइज हम इसको अभी जो है बाइंग साइड के लिए देख रहे हैं। अब इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर 2400 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करना चालू करता है तो अगले हफ्ते का हमारा टारगेट रहेगा 2480 रुपए और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2525 रुपए का। नेक्स्ट है हमारा इंडसइंड बैंक। ये मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स की बात कर रहा हूं तो ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए इंडसइंड बैंक जो है ये 5-6 दिनों से कंटिन्यू एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। ये देखिए तो इसकी जो रेंज है, ऊपर की जो रेंज है वो 1510 रुपये है और नीचे की रेंज 1475 रुपये के नियर अबाउट है। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है, नीचे से मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं तो आपको जो है अच्छे से फिगर समझ आएगा। एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है,
अब ये ध्यान रखिएगा इसमें, अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके अगर आपको कहीं यहां पर मिलता है तो इसमें जो है तुरंत बाइंग मत कीजिएगा, आपको वेट करना है कि आपको स्टॉक नियर अबाउट 1400 के लेवल पर मिले। 1400 के लेवल पर मिलेगा फिर आप इसमें बेधड़क होकर जो है बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और जो दूसरी सिचुएशन जो रहेगी हमारी वो 1510 रुपए के ऊपर, जैसे 1510 रुपए के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट डे हम इसमें जो है बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1576 पे, उसके बाद फिर टारगेट हमारा 1600 रुपए रहेगा। कोटेक बैंक भी देखिए, पिछले हफ्ते जो है इसने काफी अच्छी मूवमेंट दिखाई, जो है हायर हाई बनाता चले गया, तो कल जो है इसने एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बना दी है जो कि एक बेरिश का साइन होता है। तो अभी अब हमको इसमें ध्यान रखना है, अभी बाइंग पोजीशन इसमें कोई नहीं बनानी है जब तक यहां पर कल आपको कोई हैमर कैंडल ना दिखाई दे। अगर कल आपको कोई हैमर कैंडल दिखाई देती है और परसों ये जो है उसका हाई ब्रेक करती है तब आप इसमें पोजीशन बनाइए। इसमें ध्यान रखिए पोजीशन 1700 रुपए के ऊपर ही जब क्लोजिंग आती है तब बनाइएगा। और दूसरी सिचुएशन हमारी ये निकल के आती है, इसमें वैसे मैं अभी बाइंग की साइड नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, अब मैं इसमें देख रहा हूँ सेल साइड पे, और सेल साइड पे हमें 1680 रुपए के नीचे इसको जो है शॉर्ट करूंगा। 1680 रुपए के बाद हमारा जो टारगेट वो रहेगा 50 रुपए का टारगेट रहेगा 1630 रुपए का। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। जब 1680 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट ये सपोर्ट लाइन, ये जो मैंने नीचे ड्रॉ करके रखी हुई है, और उसके बाद हमारा ये ट्रेंड लाइन, तो यहां पर हमारा टारगेट हम यहां पर बुक कर लेंगे। अगर हम इसमें सेल पोजीशन बनाते हैं हमारा सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है हमारा रिलायंस, तो रिलायंस भी देखिए, रिलायंस भी अब ये जो है एक रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर की इसकी रेंज निकल के आ रही है 1608 1607 रुपए और नीचे 1534 35 रुपए। तो अब हमने इसमें जो है अभी इसने ये कैंडल जो बनाई हुई है ये बेरिश कैंडल बनाई हुई है, तो हम इसमें जो है सेल साइड के लिए देखेंगे 1592 रुपए के नीचे, या फिर हमारा उसमें हमारा टारगेट रहेगा 1574 रुपए। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होते हैं उसमें आप ज्यादातर जो है बाइंग पोजीशन की तरफ ही देखा करिए, उसमें सेल पोजीशन की तरफ बहुत कम जाना चाहिए। अदरवाइज जो है देखिए, अगर उसमें सेलिंग आएगी तो मान लीजिए 2 दिन में 4 दिन में सेलिंग, मान लीजिए ये रिलायंस का ही है, अगर इसमें 4 दिन में सेलिंग आती है तो 20-20 पॉइंट की सेलिंग, मान लीजिए 100 पॉइंट 5 दिन में मान लीजिए सेलिंग आ जाएगी। मगर जो बाइंग आती है ना, वो बाइंग जो है 4 से 5% होती है और जो सेलिंग होती है वो 1 से 2% होती है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी जो है स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट जो जो है सेल मत कीजिए, अगर सेल करते भी हैं तो उसको टाइमली जो है बुक करते रहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमको अपना प्रॉफिट बुक करना, हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें जो है हमको 3 या 4 पार्ट में उसको बुक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई ट्रेड ले लिया, मान लीजिए 200 रुपये में ट्रेड ले लिया, अब वो 203 रुपये गया, तो वहां पर हमको नियर अबाउट पहले 50 क्वांटिटी अपनी बुक कर लेनी है, 50% क्वांटिटी बुक कर लेनी है, और उसके बाद जो 50% जो क्वांटिटी है उसको कंटिन्यू ट्रेड करना है। उसके बाद फिर मान लीजिए 1 से 2 1% और ऊपर जाता है, 2% ऊपर जाता है, तो उसमें जो है आप 25% और बुक कर लीजिए, और 25% जो क्वांटिटी आपके पास बची हुई है उसको आप कंटिन्यू ट्रेल करते जाइए, वो अपने आप आपका स्टॉप लॉस जहां पे ट्रेल होगा अपने आप हिट हो जाएगा, उसमें से आपको दोबारा बुक करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, हमने सिर्फ जो है 60-75% ही खुद बुक करनी है, बाकी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा काम कर देगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी जो है इसको शॉर्ट मत करिएगा, अभी जो है इसमें शॉर्ट का कोई साइन नहीं दिख रहा है। इसमें जो है 340 रुपए के ऊपर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, पहला टारगेट हमारा रहेगा 345 रुपए और दूसरा रहेगा 350 रुपए। 350, 400, 450, 500 ये जो लेवल होते हैं ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, तो हमको ऐसा नहीं है कि हमने अगर आपको 350 रुपए का टारगेट दिया तो आपने नहीं पूरे 350 पर ही टारगेट बुक करना है, नहीं ऐसा नहीं। आप जो है वहां पर कई बाइंग और कई सेलिंग के ऑर्डर जो है पंचुए होते हैं, तो आप 350 से थोड़ा नीचे बुक कर लीजिए, 349 रुपये 70 पैसे, 349 रुपये 20 पैसे, इस तरह से जो है आप अपने टारगेट बुक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टाइटन, टाइटन ने भी देखिए कल एक बहुत जबरदस्त मूव बनाई है, तो ये देखिए पिछले जितना भी 1-1.5 महीने का जितनी मूवमेंट थी इसने एक दिन में कवर कर दिया। मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होते हैं उसमें बाइंग बहुत जबरदस्त आती है और जो सेलिंग होती है वो बहुत छोटी छोटी सेलिंग होगी, जैसे यहां पर देखिए कितनी छोटी छोटी सेलिंग है। सेलिंग में देखिए 1170 रुपए से लेकर
1155 रुपये, 15 रुपये की सेलिंग, एक दिन में 15 रुपये की मूवमेंट, या 20 रुपये की, या 25 रुपये की। और जब इसमें बाइंग आती है तो 1160 रुपये से लेकर देखिए 1200, सॉरी 1160 रुपये से लेकर 1206 रुपये, तो इसमें देखिए 46 रुपये की जो है मूवमेंट एक दिन में आ गई। तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसको शॉर्ट मत करिएगा, अभी अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। इसमें 1207 रुपये के ऊपर इसमें जो है आप बाइंग बनाइए, क्योंकि हमारे पास जो है, वैसे मेरे हिसाब से जो है नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन स्टॉक जो रहेगा बाइंग करने के लिए वो टाइटन ही होगा, क्योंकि इसके हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छा टारगेट है 1282 रुपये का, 1282 से 1300 रुपये का। ये जो इसने एक गैप बनाया हुआ है, ये टाइटन इसको फिल करने के लिए जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, टाइटन को शॉर्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। टाइटन में हमने ये जो गैप बना हुआ है, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहां पर 1285 रुपये से, जो गैप ओपनिंग हुई थी 1200 रुपये तक, जो 85 रुपये का जो ये पॉइंट है, ये हमने बुक करना है, ये करना है तो करना है, बिल्कुल करना है जी, ठीक है। तो इसमें 1207 रुपये के पोजिशन बनाइए। अब ऐसा ना हो कि आप 1207 रुपये से 1220 रुपये गया तो आप तो खुश होगा कि हाँ जी चलो अब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, उसका जैसे 1210 रुपये आया तो आप लोग क्या होता है डरने लग जाते हो कि अब ये स्टॉक नीचे आना चालू हो गया, अब हम इसको बुक कर लेते हैं। बट देखिए, स्टॉक को ऊपर जाने के लिए उसको थोड़ा सा नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू एक सीधी दिशा में नहीं चल सकती है। तो इसलिए जो है मार्केट थोड़ा सा जो है पुल बैक करती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। 1220 जाता है, 1210 आता है, आप घबराइए मत, आप अपना स्टॉप लॉस जो है अपना बिल्कुल मेंटेन रखिए, कि आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलिए, ठीक है ना। आप मार्केट में कभी भी लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने कुछ रूल बनाइए, कुछ डिसिप्लिन बनाइए, अगर आपके पास अपने रूल फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो आप जो है मार्केट से प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कि जिस स्ट्रेटजी पर आप कंटिन्यू वर्क करें, ठीक है, एक सॉलिड सेटअप होना चाहिए, उस स्टेप सेटअप पर आप जो है कंटिन्यू काम करें। देखिए, अगर आप ये सब चीजें फॉलो करने लग जाते हैं, मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट, अपना स्ट्रेटजी आपकी कोई सॉलिड हो, कोई सेटअप अच्छा हो, उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप जो है कभी लॉस में नहीं रहेंगे। अगर आपके 10 में से 60 ट्रेड भी अगर आपके एसएल हो जाते हैं और 3 ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट आता है, तो आप एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, आप जो है लॉस में नहीं रहेंगे। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। आजकल मुझे जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी ट्रेनिंग में थोड़ा बिजी हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देने जाना पड़ जाता है, और जो है मेरा फर्स्ट बैच खत्म हो गया और सेकंड बैच चालू हुआ है, तो सेकंड बैच में थोड़ा बिजी हो गया हूँ। स्टूडेंट वगैरह को काफी अच्छे से जो है मैं प्रिपेयर करता हूँ, तैयार करता हूँ। तो अभी जो है कल फ्राइडे को मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं कर पाया, बिकॉज जो है वो सेकंड बैच की जो है लाइव ट्रेनिंग थी, वो लाइव मार्केट में जो है, जैसे लाइव मार्केट में चलता है, मैं उस ड्यूरिंग मैं उन लोगों को ट्रेड कराता हूँ, उन लोगों को बताता हूँ कि जो है आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, आपने कौन सी चीज कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो मैं लाइव मार्केट में भी बैच के मतलब 2 से 3 सेशन लाइव मार्केट में लगवाता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो है एसीसी है, तो एसीसी का ध्यान रखिए। ये देखिए एसीसी जो है अभी अपने नीचे ट्रेंड लाइन के पास में है, ये जो मैंने नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, तो यहाँ पर यहाँ कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है, और इसमें हमारी जो बाइंग होगी, अब इसमें शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा, शॉर्ट पोजीशन 1420 या 1400 रुपए के नीचे ही बनाइएगा। इसमें जो हमारा नेक्स्ट वीक का जो व्यू रहेगा वो 1470 रुपए के ऊपर रहेगा, 1470 रुपए से लेकर ये ट्रेंड लाइन तक, मतलब 1500 रुपये लमसम। तो 1500 रुपये का लेवल क्रॉस करता है फिर इसमें जो है 1550 रुपये का हमारा टारगेट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, और जैसे हमको सपोर्ट पर हमको इस तरह का सेटअप अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये सेटअप हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जब ये सेटअप जब ये ब्रेक होते हैं ना, ये सेटअप, क्योंकि ये सपोर्ट पर ये सेटअप बना रहा है, रेजिस्टेंस पे बनाता तो हम नीचे की तरफ देखते, अब ये सपोर्ट पर, इसके पास देखिए मल्टी कंफर्मेशन है हमारे पास, एक तो यहां पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है, दूसरा ये जो है पीछे से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो यहां पर 4 से 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता जब कंसोलिडेशन करने के बाद जब ये ब्रेकआउट होता है तो काफी अच्छा ब्रेकआउट होता है, और इसमें काफी अच्छी मूवमेंट आती है। नेक्स्ट है हमारा अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल भी देखिए, ये जो मैंने व्हाइट कलर से नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, यहां पर इसने सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम भी इसने आप सपोर्ट लिया था, और यहां पर आके सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ निकला है। अब इसमें हमारा जो है 1410 रुपए के ऊपर हम इसमें ट्रेड बनाएंगे, हमारा पहला जो इसमें टारगेट रहेगा वो 1440, और दूसरा टारगेट हमारा नियर अबाउट 1500 के नियर अबाउट रहेगा।
तो इसमें हम जो है सेलिंग आपने बनानी है तो 1350 रुपए के नीचे क्लोजिंग आती है, तब इसमें सेलिंग की तरफ देखिए। डीमार्ट भी देखिए काफी अच्छी एक मूवमेंट इसने दो पिछले तीन चार ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। अब यहां पर जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद जो है इसमें उस तरह की सेलिंग आई नहीं जैसी आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभी इसमें जो अप मूव अभी बाकी है। तो इसमें जो है ज्यादातर मैं जैसे आपको बताया कि स्ट्रांग स्क्रिप्ट ने जो है सेल की तरफ बहुत कम देखी, जैसे पोजिशन बनाते हैं या फ्यूचर में बनाते हैं या आपको इक्विटी में बनाते हैं तो सेल की तरफ कम देखिए, ठीक है ना। आप क्योंकि फ्यूचर में ही हम सेल कर सकते हैं, इक्विटी में तो कर नहीं सकते। तो जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट होते हैं उसमें आप ज्यादातर बाइंग की तरफ देखा करिए, सेल की तरफ बहुत कम देखा करिए। सेल मैं देखिए मैं तो ज्यादातर सेल करता हूं, मैं सेल करने में बिलीव करता हूं, बट मैं करता हूं इंट्राडे में क्योंकि आई लव इंट्राडे। मैं इंट्राडे से मैंने बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं और कंटिन्यू बनाता हूं। मेरे पास सॉलिड स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छे सेटअप है, मेरी अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी है जो मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करती है। और वर्क इसलिए करती है क्योंकि मैं अपने रूल्स और अपने डिसिप्लिन के हिसाब से मैं चलता हूं। ऐसा नहीं है कि आज वो स्ट्रेटजी मेरा आज के दिन काम नहीं की तो कल मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, नहीं, मैं उसको कंटिन्यू फॉलो करूंगा। अगर मैं एक चीज फॉलो कर रहा हूं तो उसको मैं कंटिन्यू 1 साल से 2 साल 6 महीने 3 महीने कंटिन्यू उसको फॉलो करूंगा। तो अब आप इसमें ध्यान रखिए, अगर आपको ये 1870 रुपए के नियर अबाउट मिलता है तो आप इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 1970 रुपए और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 2010 रुपए। नेक्स्ट है हमारा जस्ट डायल। जस्ट डायल भी देखिए इसने ब्रेकआउट दिया था यहां पर, एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी, डिलीट कर दी थी। ये देखिए एक तो यहां पर इसने टच किया, दूसरे इसने ट्रेंड लाइन को यहां टच किया, तीसरा ट्रेंड लाइन को यहां टच किया, उसके बाद यहां पर देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ था। और एक ये जो मैंने ऊपर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है यहां पर जो है इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसमें जो हमने बाइंग पोजिशन बनानी है 600 रुपए के ऊपर। मैंने शायद इसमें टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने दे रखा हुआ है कि जस्ट डायल में जो पोजिशन बनानी है वो 600 रुपए के ऊपर बनानी है। इसमें हमारा टारगेट 650 रुपए का है। नेक्स्ट है हमारा जो है पिरामल एंटरप्राइजेस। पिरामल एंटरप्राइज में ऐसा कुछ खास नहीं है अभी, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है हमारा पीबीआर। तो पीबीआर में हम पोजीशन बनाएंगे, बाइंग साइड देखेंगे 1900 रुपए के ऊपर, सॉरी 1860 रुपए के ऊपर। जैसे 1860 रुपए के ऊपर निकलता है हमारे इसमें बाइंग पोजीशन एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने ये देखिए कितने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। एक मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहां पर जो मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हुआ है रेड कलर से, और यहां ऊपर से जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई थी। तो इसने इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ये देखिए कितना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लोग जो है ब्रेकआउट देखकर घुस तो जाते हैं लेकिन ये नहीं पता होता है उनको कि ऊपर से अभी इसके ऊपर एक और रजिस्टेंस है। तो मैं आपको ये चार्ट जो है छोटा करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैं आपको इसको वीकली में दिखा देता हूँ, तो वीकली में आपको जो है काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए अभी इसके पास जो है जैसे इसने देखिए ब्रेकआउट दिया ना इसने अपना डेली चार्ट में, अब वीकली में ही इस ट्रेंड लाइन पर ही बिल्कुल आकर इसने क्लोजिंग दी है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हमने पोजीशन बनानी है 1200 रुपए के ऊपर। मेरे पास ध्यान से लेवल ध्यान से सुन लिया करिए, ऐसे ट्रेड मत किया करिए विदाउट लेवल। 1200 रुपए के ऊपर जब ये इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग देगा, उसके ऊपर हम इसमें अपना ट्रेड बनाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 1285 रुपए का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 1330 रुपए का होगा। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी जो है नेक्स्ट वीक का एक जैकपॉट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एसआरएफ। एसआरएफ भी देखिए पहले तो यहां पर ये कंटिन्यू सस्टेन करता रहा इस लेवल पर, 3250 के लेवल पर। 3250 का लेवल जैसे इसने क्रॉस की, मैंने शायद इसमें 3250 के ऊपर मैंने ट्रेड भी दिया था इसमें, तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग भी मैंने करा दी थी। अब ये 3340 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तब हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। मेरे हिसाब से शायद इसमें 1 या 2 दिन इसमें सेलिंग आ सकती है। ये लेवल जो है निकल के आ रहा है 3290 रुपए तक। 3290 रुपए के बाद इसमें फिर शायद बाइंग आ सकती है। तो हमारी जो बाइंग रहेगी वो 3240 और 3250 रुपए के ऊपर हम इसको देखेंगे, उधर नीचे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आईसीआईसीआई प्रू। तो आईसीआईसीआई प्रू भी देखिए मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मतलब ये सपोर्ट लेवल पर जब ये 4 5 दिन 10 दिन जो है कंटिन्यू कंसोलिडेट करे उसके बाद जो है ब्रेकआउट करे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। वैसा ही ब्रेकआउट आपको देखना इसमें आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिलेगा, और वो देखने को मिलेगा आपको 500 रुपए के ऊपर। तो
तो इसमें जो है नजर बना के रखिएगा, 500 रुपए के ऊपर जैसी क्लोजिंग आती है अगले दिन जो है, जैसी उस क्लोजिंग क्लोज करता है तो आप इसमें जो है पोजीशन ले सकते हैं। इसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 530 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 550 रुपए का। ध्यान रखिएगा टाइटन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईसीआईसीआई प्रू। नेक्स्ट है हमारा एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ ये देखिए, जो मैंने एक ऊपर से ट्रेंड एंड ड्रॉ करके रखी थी, तो इसका इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद 580 रुपये से इसने जो है हाई लगाया है 615 रुपये का। तो यहां पर भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस जोन था जो है 608 रुपये, 610 रुपये के बीच में। तो अब इसने इसको क्रॉस कर दिया है, तो क्लोजिंग भी दे दी है इसके ऊपर। अब हम इसमें जो है सोमवार को हम ट्रेड बनाएंगे 615 रुपये के ऊपर, जब ये क्लोजिंग देना चालू कर देगा या फिर कंसोलिडेट होना चालू हो जाएगा 615 रुपये के ऊपर, और हमारा इसमें टारगेट रहेगा 640 रुपये का। तो यही मेरे जो है 20 से 25 फेवरेट स्टॉक है। मैं अधिकतर जो है 90% मैं इन स्टॉक्स में ट्रेड करता हूँ। सेकंड जो है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं कंटिन्यू जो है अपने कॉल वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ। आप जाइए, कॉल को देखिए, कॉल को समझिए कि मैं कॉल किस बेस पर देता हूँ। वहां पर मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत आती है चार्ट ड्रॉ करने में, पोस्ट करने में, ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, लेवल निकालने में दिक्कत आती है, तो आप जाके मेरे चार्ट को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है कि ये लेवल कैसे ड्रॉ किया गया है, या सपोर्ट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ये कैसे ड्रॉ करके रखी हुई है, या आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को जो है अपने चार्ट मेरे ईमेल आईडी पर मुझे पोस्ट कर सकते हैं। मैं वो चार्ट देखूंगा, अगर उसमें कोई गलती होगी तो मैं आपको बताऊंगा और सही चार्ट आपको जो है आंसर में पोस्ट कर दूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको आपके लिए इतना मैं फ्री में कर सकता हूँ, इतना मैं आपको सिखा सकता हूँ। इसका मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा, कोई ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपको चार्ट ड्रॉ करना नहीं आता है, लेवल ड्रॉ करने नहीं आते हैं, तो आप अपने चार्ट, अगर आप सीखना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आप अपने चार्ट मुझे मेरी ईमेल आईडी पर, टेलीग्राम लिंक पर आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो आप वहां से जो है चार्ट जो है देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है, आप अपने किसी स्टॉक पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप अपने चार्ट ड्रॉ करके मेरे को मेरी ईमेल आईडी पर मेरे को सेंड कर सकते हैं। मैं आपके चार्ट देखूंगा और वहां पर अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आंसर में आपको सही चार्ट पोस्ट करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की वो सही है या नहीं, कहाँ पे आपकी गलती है। मैं आपको मिस्टेक जो है ड्रॉ करके आपको पोस्ट करूंगा, तो मैं आपके लिए इतना जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। सेकंड, जो भी मेरे दोस्त मेरे मित्र यहां पर नए हैं, वो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।